बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बड़ी जीत गुरदासपुर में हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सौतेली माँ हेमा का साथ छोड़ दिया है और पहुंच गए हैं वो अपनी सगी माँ प्रकाश कौर के पास। ये खबर आई कि इलेक्शन जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बने सनी देओल ने अपनी जीत की खुशियाँ बांटने के लिए सबसे पहली अपनी माँ प्रकाश को गले लगाकर उनके आशीर्वाद के साथ जीत के बाद अपनी राजनीति सफर को एक नया मुकाम तक ले जाने के लिए उनके पास पहुंचने का फैसला लिया। सनी देओल का ये फैसला लाजवाब था। इसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबरें आई तो वहीं एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सनी विक्ट्री दिखाते हुए नजर आए, विक्ट्री का इशारा करते हुए घर जाते हुए जो विजेता बनकर गुरदासपुर में जनता के सेवक बनकर बीजेपी के अंडर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीए सरकार को लेकर उनकी खुशी काफी ज्यादा बढ़ी नजर आई। 60 साल की उम्र में सनी देओल ने अपने स्टेप मॉम हेमा मालिनी के पुराने बाद बीजेपी के साथ जुड़कर पीएम मोदी का साथ देने का जो फैसला लिया उसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। माँ बेटों को एक साथ देख हर जनता के बीच यही बात हो रही है कि ये जोड़ी बनी रहे माँ बेटे की और इसी तरह देश की जनता की उन्नति के बारे में ये अपना कदम बढ़ाते रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।